बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि आपके इल्म में है, पिछले दो हफ्तों में क्लास नहीं हो सकी, तो होपफुली आज हमने जो है एमसीक्यूज और कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं द यूनाइटेड नेशंस के। सो राइट नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक आउट योर रजिस्टर एंड स्टार्ट राइटिंग। द यूनाइटेड नेशंस, सबसे पहले इसकी एमसीक्यूज की बारी आती है। एमसीक्यूज की इतनी तैयारी ऑलरेडी मैंने आपको करवा दी है। जो की पॉइंट दिखाए मैंने आपको, जो की वर्ड दिखाए, दीज की वर्ड आर क्वाइट इनफ टू डू दी एमसीक्यूज, टू सॉल्व दी एमसीक्यूज। आपके जो एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड में, उसमें चार ऑप्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं वो कितने ऑप्शन दे रहा हूँ, तीन ऑप्शन। जरूरी नहीं है कि हम चार ही ऑप्शन में सही आंसर पता होना चाहिए बस।
Now I am giving you 5 minutes to note it down, and when you have copied, press some. जब लिख लो तो press करो some कुछ आवाज. सब बच्चे लिखें. अच्छा इसको टेक करो. आपको यू हैव टू राइट द आंसर इन फुल ऑन योर आंसर शीट इन एग्जाम. ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको जब आंसर देना है, अगर ये फॉर एग्जांपल वन है तो आपने वन लिखा आंसर शीट पे, वन लिखा. वन लिखने के बाद आपने इसका आंसर क्या है, द बेसिक इंस्पिरेशन ऑफ यूएनओ वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर करेक्ट आंसर है. तो आंसर आपने बी लिखा, और बी लिखने के बाद आपने क्या लिखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. बोर्ड में इस तरीके से करना है, सही है? यानी कोड भी लिखना है, बी कोड है इसका, बी करेक्ट आंसर है, और आंसर पूरा भी लिखना है. इसलिए क्वेश्चन पेपर पे लिखा होता है आंसर इन फुल. सो यू हैव टू राइट द आंसर इन फुल ऑन योर आंसर कॉपी. यहां पर मैं टिक कर रहा हूं समझाने के लिए. In the spring of that Second World War was coming to an end. In the spring of 1965, 1955 and 1945. So answer is C. That was linking distant part of the world. क्या चीज दुनिया के दूर दराज हिस्सों को मिला रही थी? Radio, aeroplane और telegram. So answer is B. ठीक करो. शाबाश. पहले का B है, दूसरे का C है, तीसरे का B है. Now I am going to erase. Now this is MCQ number 4.
Now let's have a look at these blanks, these MCQs. The aim of the UN is to prevent death in the world. अफ़ान मुत्तहदा का मकसद क्या है? लड़ाई को रोकना, जंग को रोकना या अमन को रोकना? So correct answer is war. The International Bank gave a loan to Mexico in debt. 1930, 1941 or 1951? The correct answer is 1951. UN Day is celebrated every year on. अक़्वाम-ए-मुत्तहदा का दिन हर साल कौन से दिन को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को? 7th April, 24th October या 16th September? So correct answer is B. Copy it and then press thumb. सबने कर लिया? अच्छा लिखे हैं, कॉपी करें जल्दी से और फिर थंब प्रेस करें. शाबाश, लिखे सारे बच्चे, हम प्रेस करें. खदीजा ने लिख लिया है. अच्छा कौन है? सैयद इस्माइल. बेटा जल्दी लिखो. चलिए जी, आपने भी लिख लिया, वेरी गुड. सेवन देखो बच्चों, सेवन द प्रिंसिपल ऑर्गेन ऑफ यूएनओ इज अक़्वाम-ए-मुत्तहदा का मरकजी हिस्सा. जाहिर सी बात है, जनरल असेंबली है. ईच मेंबर नेशन हैज ओनली डायरेक्ट वोट. हर मेंबर नेशन में कितना वोट होगा? एक ही होगा. पांच रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वोट एक होगा. सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मेंबर. सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल अराकीन कितने होते हैं? 15. परमानेंट मेंबर्स आर डेड इन नंबर. सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की तादाद कितनी होती है? 5. बताया था ना, अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना और फ्रांस. नोट इट डाउन एंड देन प्रेस थंब. Thank you.
Have you all done? Then कौन रहेगा? If my better speed up, riding speed test करो. लिख लिया smile ने. Good. So we have done 10 MCQs. MCQs में हाल चाल हो सकते हैं सारे. Number 11. हाँ जी, the permanent members have dash power. कौन सा power होता है permanent members के पास? Veto.
द चीफ ऑफिसर ऑफ यूएनओ इज डायरेक्टर एडवोकेट और सेक्रेटरी जनरल. सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 2 years, 4 years और 5 years. 5 years. This is talk about dash people in secretariat. 3,500. कॉपी करो चावल इससे भी, बस अब एक दफा और करेंगे फिर कंप्लीट हो जाएंगे एमसीक्यू. I think all of you have written. आगे चलते हैं. और टीम हो चुके हैं एमसीक्यू. बेटा आपने ये शुरू के 5-6 चैप्टर आपने सही तरीके से तैयारी कर ली तो आपका सबसेक्शन 1 सॉल्व हो जाएगा. टोटल 8 चैप्टर पढ़ने बताया था आपको मैं. 8 से 8 चैप्टर में एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज. 9 चैप्टर तकरीबन आप लोगों को पढ़ने के लिए टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन थॉरली करना है इनका काम, पक्का काम करना है. नंबर 15
अच्छा, इसके अलावा जी बच्चों, बस ये 19 इसके एमसीक्यूज थे। इसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। देखो, डैश इज द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। एफएओ फ्रेंड है, डब्ल्यूएचओ फ्रेंड है, यूनिसेफ फ्रेंड है। ये है सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ शुरू कब हुई, 1945, 1948 या 1948, 1940 में शुरू हुई थी ये बेसिकली। दुनिया का आलमी सेहत का दिन कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर, 8 मार्च या 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को। द डिजीज ऑफ हॉट वेट क्लाइमेट इज, गर्म नमी वाली आबो हवा की बीमारी बुखार है, योर्स है या कोई नहीं है, तो योर्स है ये जनाब। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एमसीक्यूज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। And inshallah, we are going to start tomorrow that question answer of the United Nations. And then you have to learn all these things that all we have done, that all we have done, you have to learn by heart. Now I am giving you time to copy it. And when you have done, press thumb. सही है, लिखने के बाद thumb को press करें। शाबाश। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।